सदर बाजार की मलिक मार्केट में आग लग गई। आग से एक ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान जलकर खाक हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये आग की लपटें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आग की लपटें बर्बाद कर देने वाली हैं। ऐसी आग लगी जिसने अफरा तफरी मचा दी। इस आग ने देखते ही देखते दुकान मालिक को बर्बाद कर दिया। इस आग में लाखों का सामान जलकर ढेर हो गया। आगरा सदर बाजार की मालिक मार्केट में भीषण आग लग गई। आप खुद देख सकते हैं कि आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये आग सबसे पहले एवलोन ब्यूटी पार्लर में लगी। जंक्शन बॉक्स में चिंगारी उठी थी जो देखते ही देखते शोला बन गई और विकराल रूप ले लिया, और इस आग ने एवलोन ब्यूटी पार्लर को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद श्री कृष्णा ब्यूटी जोन तक ये आग फैल गई। एवलोन ब्यूटी पार्लर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। लाखों रुपए का सामान राख में बदल गया। 70,000 की नकदी भी जलकर राख हो गई और उसके बाद पार्लर संचालिका सदमे में आ गई। जी, ये हम 8:30 बजे अपने बच्ची का बर्थडे मना के यहाँ से हम लोग सही सलामत सब कटआउट वगैरह गिरा के सब लाइटिंग बंद ऑफ करके यहाँ से हम लोग चले गए थे बिल्कुल सही से। फिर उसके बाद 9:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके वहाँ से धुआं आ रही है, चिंगारियाँ उड़ रही हैं तो अंदर तार से। तो जब हमने देखा तो पूरा ये बाहर से जो टोरेंट पावर का एक भारी सा एक मीटर लगा रखा है इन लोगों ने, टोरेंट पावर वालों ने, जो कि जितनी भी लाइटें हैं उसी में मीटर अभी परसों एक नया मीटर उसके अंदर फिट करके गए। वो पहले से लगा हुआ था उसी के अंदर दोबारा फिट कर दिया उन्होंने एक मीटर, जिससे वो लोड ना ले सका। तो उसकी हल्की चिंगारी मेरे शटर से अंदर घुस गई तो उसकी वजह से वो मेरा फर्नीचर पकड़ लिया, पूरा ब्लास्ट हो गया। मेरा 12 लाख का नुकसान हुआ। अभी तो मैंने करंट में 1.5 लाख रुपये गेट वगैरह चेयर नई दिल्ली से लेकर आए, सारी हैवी मशीनें लेकर आई मैं दिल्ली से। नगद उसमें 70,000 मुझे लॉटरी के पेमेंट करना था, वो मेरा नगद था, और 5-6 हज़ार मेरे काम के पैसे थे उसके अंदर। बहुत ज़्यादा मेरा हद से ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब ये हम कैसे करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें, हमारा बिल्कुल दिमाग खराब है। श्री कृष्णा ब्यूटी जोन को भी भारी नुकसान हुआ। श्री कृष्णा ब्यूटी जोन में भी सामान जलकर राख हो गया। पता नहीं, मैं तो दुकान भाड़ा के गया हूँ 8:30 बजे। 9:30 बजे खबर पहुंची कि आपके मार्केट में आग लग गई, आपकी दुकान में आग लग गई। हमें पहुंचा है पर पता नहीं टोरेंट की बोर्ड की वजह से लापरवाही वजह से पता नहीं किस वजह से हुआ है। आपकी दुकान का नुकसान हो गया? नुकसान काफ़ी नुकसान हुआ है। कॉस्मेटिक भी थी, मशीनें भी थी, काफ़ी थी, सारा जल के सुहा हो गया। यह आग है। आग कभी भी एक चिंगारी से शोला बन सकती है। कभी भी आग विनाश की लीला लिख सकती है। लापरवाही भारी पड़ जाती है। आग के पीछे की मूल वजह क्या है इसका पता जांच के बाद चलेगा, लेकिन जैसा हमें बताया गया है वैसा ही हम आपको भी बता रहे हैं। सदर बाजार की मलिक मार्केट में आग लगती है। आग की शुरुआत इस जंक्शन बॉक्स से हुई है ऐसा बताया गया है। 1-2 दिन पहले ही इस जंक्शन बॉक्स को लगाया गया था और यहीं से आग की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं ये केबल है, केबल पूरी तरीके से जली हुई है। इसी केबल के माध्यम से आग अंदर की तरफ दुकान में प्रवेश करती है और देखते ही देखते जो ब्यूटी पार्लर है, इस ब्यूटी पार्लर को आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया है। इसमें कीमती कुर्सियां थी, तमाम सारा कीमती सामान था, फ्रिज था जो कुछ समय पहले ही इसमें लगाया गया था। इसके अलावा 70,000 रुपये की नकदी भी थी जो जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई है। बगल में दुकान है उसमें भी आग लगी। इसके अलावा 2 अन्य दुकान भी मामूली रूप से चपेट में आई, लेकिन जिस तरीके से आग ने विनाश लीला दिखाई उसने ब्यूटी पार्लर संचालिका को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसी के भरोसे घर चलता था और आग ने सब खेल ख़त्म कर दिया। इस दुकान में भी आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हुआ है और इस तरफ से आग दुकान के अंदर घुसी और देखते ही देखते दुकान को भी चपेट में ले लिया। सवाल ये उठता है लापरवाही किसकी थी, किसकी लापरवाही के चलते लोग बर्बाद हो गए, कौन है इसका जिम्मेदार, क्या पीड़ितों को उचित मुआवजा मिल पाएगा। पीड़ितों का कहना इस मामले में थाना सदर में भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। तहसील की टीम ने भी
मौका मुआयना कर लिया। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।